वैसे मैं और बताऊं, ये भूभाग भले ही मेवाड़ से अलग हो गए थे, पर मेवाड़ वालों को हमेशा लगता था ये हमारे, इसलिए मेवाड़ वाले अक्सर इनसे टैक्स वगैरह नहीं लिया करते थे डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों से। हाँ, अब कई बार क्या होता, इनमें कोई लूंठा बन जाता डूंगरपुर बांसवाड़ा में, मेवाड़ वाला इतना ताकतवर नहीं होता, तो बाद में ये कहते टैक्स नहीं देंगे, तो कहते साहब डूंगरपुर बांसवाड़ा स्वतंत्र हो गए। फिर कोई उधर से कोई तेज तर्रार आता, वो वापस झपड़ मार मार के कहता इधर लाओ टैक्स, लाओ टैक्स कैसे नहीं दोगे। तो मेवाड़ हमेशा ये मानता ही था कि टेरिटरी हमारी है पर हमारे पास में रहनी चाहिए। फिर कोई मुगल बादशाह आ गए थे, तो इनमें से कोई मुगल बादशाह के पास जाता रहे, कहता रहे बाबू जी इनसे तो पिता छुटा हो रहे, मेवाड़ वाले और पीछे पड़े हुए। तो मुगल बादशाह उधर से कहते था कि नहीं भाई स्वतंत्र लिख दिया जाए इसको। और बताऊं, जब तक मेवाड़ शक्तिशाली था ना अपने, तब तक तो मेवाड़ का ये मानना था कि पूरा राजस्थान ही हमारा है, और सब जगह से आगे टैक्सन लेके जाया करते थे। तो कुंभान सांगान नागौर में क्या मांग रहे हैं, पर उनको लगता था आप हमारे अधीन हो, आओ यहाँ पे तो टैक्स दे के जाओ। अब ज्यादा दूर था तो कई बार कोई नागौर में यहाँ कोई शक्तिशाली बना, उसने कहा टैक्स नहीं दूंगा, तो भाई ने उधर से अटैक किया, अटैक करके टैक्स लेके गया। मुझे तो यह भी बड़ा अजीब लगता है, जब कहे सांगा का राजस्थान के राजाओं ने साथ दिया था, राजस्थान के राजा उसके अधीन लड़ने के लिए पहुंचे, नहीं पहुंचते ना वो बैंड बजा देता तुम्हें, लोग सांगा कहते हैं उसको, तुम सारे उसके कहीं ना कहीं टेरिटरी के अंदर आया करते थे। अब सांगा के बाद में मेवाड़ का वर्चस्व इतना नहीं रहा, इसलिए तुम बाद में रावल और महारावल राजा महाराजा बनने लगे। बाकी जब तक मेवाड़ का सूरज चमक रहा था ना सांगा तक, तब तक तो उन सबसे टैक्स लेके जाया करते। इवन आमेर वाले तो भारमल तक मेवाड़ वालों के सामंती थे, कि जो पृथ्वीराज हम पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज सांगा की तरफ से लड़ने के लिए गया था खानवा गढ़ में, तो पृथ्वीराज सामंत है उनका, लड़ने नहीं जाएगा तो करेगा क्या। भारमल के टाइम में भारमल का बेटा भगवंत दास तो उदय सिंह के दरबार में रहा करता था वहां पर, फिर भारमल को लगा यार अपने तो खुद के परिवार में लड़ाई हो रही है, इस परिवार वाले लड़ाई को कैसे सुलझाया जाए, तो उसने अकबर से संधि की। जब अकबर के साथ संधि हो गई तब उन्होंने मेवाड़ वालों का अब हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, और उसने भगवंत दास को वापस बुला लिया था। तो मेवाड़ बड़ी टेरिटरी रही थी, उसका इन सब भूभाग पे ऊपर कब्जा ही रहा था, इवन मालवा से लेके डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये पूरा मेवाड़ वाला और बाकी राजस्थान को भी टेरिटरी ही माना करते थे कि हमारा, और आपको हमारे झंडे के नीचे आना पड़ेगा। अपने राजाओं में एक ये जरूर हुआ करता था कि यहाँ पे मेवाड़ वालों ने इधर उधर मान लो कहीं पे आक्रमण भी किया, हरा दिया, उसे टैक्स लेके आ गए, प्रत्यक्ष कंट्रोल नहीं कर पाए कभी, और उनको लगता था यार आवागमन की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, कम्युनिकेशन है नहीं, यदि कब्जा कर भी लेंगे यहाँ पे तो भी ज्यादा लंबे समय तक कब्जा अपना चल नहीं पाएगा, इससे अच्छा है बढ़ने दो यार, कब्जा उब्जा करके तो अपने क्या ही करना है, टैक्स लो और वापस चले जाओ, और रेगुलर उसको कहते तू टैक्स देता रहा कर, फिर कोई टैक्स नहीं देता तो वापस आक्रमण करने के लिए आ जाएगा। ये सब जगह इनमें चलता ही रहता था।